दोस्तों आज बॉक्स ऑफिस में पठान मूवी को रिलीज हुए 34 दिन हो चुके हैं और अभी पठान की कमाई का प्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। इस वीडियो में आपको डे 1 से लेकर डे 34 का बॉक्स ऑफिस को हमारे बताएंगे, वहीं पर डे संडे और सैटरडे और संडे का कितना कलेक्शन रहा है। जैसे अगर आप याद होगा पिछले सैटरडे संडे को हमको पठान की कमाई एक बड़ा जंप देखने को मिला था और इस सैटरडे संडे को आपको एक बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पठान मूवी ने पहले दिन से काफ़ी अच्छा हमको प्रोडक्शन देखने को मिला है। पठान मूवी ने केवल 9 दिन के अंदर काफ़ी बढ़िया कलेक्शन किया था एंड इसके बाद पठान मूवी का डे 21 से लेकर डे 25 तक काफी अच्छा कलेक्शन रहा था। वहीं पे बात करें डे 1 से लेकर डे 33 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, गाइस मान लो पठान की कमाई पूरे 2 महीनों तक रुकने वाली नहीं, अभी पठान को चाइना में और बांग्लादेश में रिलीज करना बाकी है। वहीं पे बात करें पठान मूवी का 31 दिन फ्राइडे का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 1.2 करोड़ था। 32 दिन सैटरडे का जो पठान मूवी का हिंदी में कलेक्शन है वो 2.5 करोड़। वहीं पर बात करें संडे का डे 33 का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 2.25 करोड़ है और अभी ये सिर्फ हिंदी का कलेक्शन है। पठान मूवी का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है डे 32 का सैटरडे का 4 करोड़ है और डे संडे स्पेशल का 33 दिन का जो वर्ल्ड वाइड में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो पूरे 5 करोड़ है। जी हाँ गाइज, जिसको टोटली जो पठान मूवी का हिंदी कलेक्शन हो चुका है वो 525 करोड़ हो चुका है। 33 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी ऐड करना बाकी है, केवल 32 दिन का जो कलेक्शन है 525 करोड़ हो चुका है हिंदी में और यहाँ पे पठान मूवी ने केवल साउथ तमिल और तंगुल से 18 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं बात करें पठान मूवी का ओवरसीज डोमेस्टिक जो ग्रास है 637 करोड़ हो चुका है। गाइज अगर आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दोगे यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, शाहरुख खान के फैन हो तो फटाफट इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वहीं बात करें पठान मूवी का 34 दिन का एडवांस बुकिंग काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिल रहा है। पठान मूवी का 30 लाख का एडवांस बुकिंग हो चुका पूरे इंडिया में और पठान मूवी 34 दिन हमको यहाँ पे पूरे इंडिया से 1 करोड़ का कलेक्शन करती हुई नजर आएगी और पूरे वर्ल्ड वाइड में पठान मूवी 34 दिन पूरे 3 करोड़ का कलेक्शन करेगी। गाइज पठान मूवी इंडिया की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रास मूवी तो बन चुकी, क्या पठान मूवी का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहेगा? पठान मूवी ऑल ब्लॉक बास्टर मूवी के लाइफ टाइम कलेक्शन को क्या तोड़ पाएगी? अब तक पठान मूवी बजरंगी भाईजान, पीके, संजू और यहाँ पे इन 3 से 4 मूवी के ही लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को तोड़ पाई है। अभी 4 और बड़ी मूवीज बाकी हैं जिनका नाम RRR मूवी, KGF चैप्टर 2, बाहुबली और सबसे बड़ा जो मूवी है दंगल, इनका रिकॉर्ड तोड़ना भी बाकी है। लेकिन पठान मूवी का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। क्या पठान मूवी 1200 करोड़ का कलेक्शन करके KGF चैप्टर 2 और RRR मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या 1500 करोड़ का कलेक्शन करेगी? गाइज वहीं पर बात करें पठान मूवी का भी बजट 250 करोड़ है, बाहुबली का भी बजट 250 करोड़ था, बाहुबली ने लाइफ टाइम में 1810 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं पे बात करें दंगल की, मच अवेटेड जो दंगल मूवी थी बॉलीवुड की सबसे हाईएस्ट ग्रॉस मूवी है, दंगल मूवी का जो बजट था वो केवल 70 करोड़ था और दंगल का जो हिंदी में कलेक्शन था 388 करोड़ था। वहीं बात करें दंगल ने लाइफ टाइम में 2100 करोड़ का पूरे वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया था। मान लो गाइस दंगल एक आमिर खान की अपने दौर की और अभी के भी दौर की सबसे महंगी और सबसे बड़ी रिकॉर्ड वाली मूवी है और पठान मूवी कभी भी दंगल और बाहुबली 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी। पठान मूवी का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 13 से 14 करोड़ रहेगा या सबसे ज़्यादा भी होगा तो 1200 करोड़ ही रहेगा। तो गाइज आपको इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो 100% रियल दी गई है। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना भैया, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा केयर।